ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ 41 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ NDRF, SDRF ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबको, सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना, जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम उन जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी, मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहां पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को, लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे उसको पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, उज्ज्वल जीवन के लिए, मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकलकर आए हैं। सभी लोगों ने
कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है, सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी को, सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी? उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर, एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं? नहीं, वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर है वो पांच लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर, सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे, उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं है, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे। सर, वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आपका हो गया। आप भी बाबा बागना के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागना के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा बाबा बागनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोग एक मिनट बाबा। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ही आपने शायद, मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया
वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर, मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? राहत राशि नहीं, सभी समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे, उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। आप कोई और है इधर? सर, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में, और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट। नहीं, राहत राशि के लिए, देखिए राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है, 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHAI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेना।